आवाज़ आ रही होगी इसको आप में, आपको इसमें, ये इसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दी मैंने और अब मैं इसकी अब वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। देखिए तो देखने पर पता चल रहा है कि जो इसकी आवाज़ है वो बहुत कम आ रही है इसमें। अब हमने इसे रिपेयर कर दिया, चलिए अब चेक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल लो साउंड है ये। अब देखिए फुल, तो प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। आपने देखा किस तरीके से हमने इसका साउंड बढ़ा दिया। आज हम रिपेयर करने वाले हैं इस म्यूजिकल मंत्र स्टूडियो को, तो देखने वाले हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि इसमें साउंड की प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं आपको एक बार इसे चेक करके दिखा देता हूँ। तो हम सबसे पहले इसे, इसके वायर को लाइन के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर इसे ऑन करके देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यदि आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो अब मैंने इसे लाइन से कनेक्ट कर दिया। आवाज़ आ रही होगी इसको आप में, आपको इसमें, ये इसकी वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दी मैंने और अब मैं इसकी अब वॉल्यूम बढ़ा रहा हूँ। देखिए तो देखने पर पता चल रहा है कि जो इसकी आवाज़ है वो बहुत कम आ रही है इसमें, साउंड बिल्कुल कम आ रहा है। तो हम इसे देखने वाले हैं क्या प्रॉब्लम है इसे। तो अब हम इसे ओपन करेंगे, ओपन करके चेक करेंगे हम इसमें क्या प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम किस वजह से आई। तो चलिए इसको हमने ओपन कर दिया है, तो अब हम समझते हैं इसका मैकेनिज्म। ये हमारी 5 वोल्ट की सप्लाई है जिससे हमारा जो ये मेन सर्किट है ये ऑन होता है। यहाँ से हम इसके मंत्र को चेंज करते हैं और ये वॉल्यूम है जो कि हमारी स्पीकर की वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या करेंगे कि इसे डायरेक्ट भी करके देखेंगे। देखिए सिमटी की मदद से तो इसके स्पीकर में ही आवाज़ कम है हमारे, तो हमें इसका स्पीकर चेंज करना पड़ेगा तब इसकी आवाज़ थोड़ी तेज आएगी। इसमें केवल आवाज़ कम आ रही है हमारी। देखिए मैं आपको एक बार और चला के दिखाता हूँ। इसकी ये फुल आवाज़ है। अब हम क्या करेंगे, एक छोटा वाला स्पीकर लेंगे। ये मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, छोटा वाला स्पीकर लेंगे और इसे फिक्स करेंगे। तो ये स्पीकर सस्ता भी होता है और ठीक भी होता है, तो हम इसे फिक्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस स्पीकर को बाहर निकालना पड़ेगा पहले हमें, फिर उसके बाद में हम इसे फिक्स कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसे फिक्स करेंगे। इसे हमें इस तरीके से लगाना है कि हमारा साउंड का बेस बने इसमें। ठीक है, देखिए ये केवल इस पर इस तरीके से लगा हुआ था, ये हमारा स्पीकर है इसका। ठीक है, तो इसे यहाँ से रिमूव कर लूँगा मैं। अब आप आवाज़ में फ़र्क देखना कितना हो जाएगा। ये इसकी वॉल्यूम देखिए एक बार, मैं आपको वापस से चेक करा देता हूँ। इसकी फुल वॉल्यूम दिखा देता हूँ और हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम दोनों दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए ये इसकी फुल वॉल्यूम है। और अब जो मैं स्पीकर कनेक्ट करूँगा इसकी वॉल्यूम देखिए आप, ये स्पीकर है हमारा, इसकी वॉल्यूम मैं आपको चेक कराता हूँ। देखिए इसकी वॉल्यूम सुन सकते हो, और इसकी वॉल्यूम देखिए बिल्कुल आधी है इसकी। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसे खोल, इसे हटा देंगे, इसके जो वायर है इनके कनेक्शन को हटा देंगे और फिर हम क्या करेंगे कि इसे उसके इस वायर के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसे फिक्स करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जुगाड़ बनाना पड़ेगा हमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे स्पीकर के वायर है उन्हें कनेक्ट कर लेंगे हमारे जो नए वाले स्पीकर है उसके साथ, फिर हम इसका इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे इस स्पीकर के साथ, और इसे अब लगाएंगे। देखिए अब इसकी आवाज़ सुन सकते हैं आप, तो मैं इसकी वॉल्यूम को कम कर देता हूँ। हम इसे इस तरीके से फिक्स करना होगा ताकि इसका बेस बने। अभी मैंने वॉल्यूम कम कर रखी है इसकी, तो हम इसे यहाँ पर फिक्स करेंगे। तो चलिए मैं इसे फिक्स करता हूँ। फिक्स कैसे करेंगे, देखिए ग्लू गन की मदद से मैं इसे फिक्स कर दूंगा। फिक्स करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कार्डबोर्ड ले लूँगा और कार्डबोर्ड को बिल्कुल एकदम गोल शेप में काट दूंगा। ठीक है, ताकि हमारा ये इसके अंदर फिक्स हो जाए। तो हम एक अनुमान से काटेंगे इसे।
तो इस कार्डबोर्ड को हम बिल्कुल गोल काट लेंगे ताकि हमारा जो स्पीकर है वो इसके ऊपर फिक्स हो सके। अब हम क्या करेंगे, इसे बीच में से भी इस तरीके से रिमूव करके स्पीकर के लिए होल बनाएंगे एक, ठीक है। तो इसे भी काट लेंगे हम ताकि हमारा स्पीकर का जो आवाज़ है वो नीचे की तरफ आ सके। तो अब मैं ग्लूगन की मदद से इस कार्डबोर्ड को इसके ऊपर फिक्स कर लूँगा ताकि ये हमारा हिले नहीं। फिर हम क्या करेंगे, इस स्पीकर को भी इसके ऊपर फिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस ग्लू को लगा दूँगा यहाँ पे, इसको ऐसे चारों कोनों पर चिपकाना, पर्दे के अंदर नहीं जाए हमारा स्पीकर बस। और यहाँ हमारा ये फिक्स हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे वापस से इसी कंडीशन में फिक्स कर, वापस से अंदर फिक्स कर देंगे हम। तो अब हम सभी स्क्रूज को कस देंगे वापस, जिस कंडीशन में हमने इसे खोला था उसी कंडीशन में वापस हम इसे पैक कर देंगे। तो अब हमने इसे पूरी तरीके से रिपेयर कर दिया है। तो अब मैं इसे आपको चेक करा के दिखाऊंगा कि इसमें अब हमारा साउंड कितना इंप्रूव हुआ है। चलिए अब हम इसे एक बार चेक करके देखेंगे। देखिए अब इसकी साउंड की देखना आप आवाज़, ये इसकी कम है, ठीक है, बिल्कुल लो साउंड है ये। अब देखिए फुल, देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। आपने देखा किस तरीके से हमने इसका साउंड बढ़ा दिया। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।